हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुणा गौतम। मैं हूं अरुणा। और गाइस, आज मैं बनाने वाली हूं बड़ा ही झटपट से एक आलमंड स्नैक्स की रेसिपी। इसके ऊपर रख दिया है और इसमें तकरीबन 200 ग्राम के करीब आलमंड्स लिए हैं मैंने, और 150 से 175 ग्राम के करीब पाउडर शुगर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं, और साथ ही में 100 ग्राम के करीब पानी और आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस मैं इसमें डाल रही हूँ, और चुटकी भर नमक। तो हमें इस सबको बॉईल करना है अच्छे तरीके से, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे बॉईल करूँगी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि ये जो हमारे आलमंड्स हैं वो क्रंची हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं, और ये जो शुगर सिरप मैंने बनाया है, जब ये बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो इसकी एक कोटिंग जो है वो आलमंड्स के ऊपर आ जाएगी, और खाने में बहुत ही क्रंची लगते हैं ये, और इनका हल्का सा सॉल्टी और मीठा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को टिफ़िन में आप दे सकते हैं, या मिड डे स्नैक के रूप में, इवनिंग स्नैक्स के रूप में हम इसे खा सकते हैं। आलमंड्स आर हाई इन विटामिन ई, ये तो हम सब जानते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं ये, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखते हैं, और दे आर वेरी हाई इन हेल्दी फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं आलमंड्स में। तो हमें अपनी हर रोज़ की डाइट में आलमंड्स को शामिल करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन फाइबर होता है, एंड ये वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। सो इट इज़ अ गुड स्नैक्स अगर हम इसे रोज़ खाएँ। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से आलमंड्स जो हैं वो हो गए हैं, शुगर सिरप काफ़ी रिड्यूस हो गया है। मीडियम गैस पे ही मैं इसे पका रही हूँ, और विद इन 10 मिनट्स ये बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है शुगर सिरप, और आलमंड्स हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैंने एक बटर पेपर पे फैला देती हूँ, और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा हो जाने देंगे। तो इस तरह से पूरा फैला दीजिए बटर पेपर के ऊपर, और ठंडा होने के बाद फिर हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए, अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, और तोड़ लेते हैं इनको। काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची हो चुके हैं ये, खाने में बड़े ही बहुत क्रंच आ रहा है। ये जार में भर दिया है, स्टोर करके रखिए और इन्जॉय करिए। कभी भी और कहीं भी खा सकते हैं ये आलमंड्स, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एज अ गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को, अपने चाहने वालों को। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।